दोस्तों, क्या आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रही? और आप क्या एक ब्लॉगर है या फिर वेबसाइट ओनर है? और आपने बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिखे, लेकिन कोई भी ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक नहीं कर रहा, या फिर रैंक कर भी रहा है तो उससे गूगल एडसेंस से इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पा रही। आज यही टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह कीवर्ड को टारगेट करें, स्पेशली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, जिसका CPC भी अच्छा हो और उससे हमें, अगर हमारा ब्लॉग पोस्ट रैंक भी हो जाए तो उससे हमारी अर्निंग भी अच्छी हो। तो बेसिकली आज हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, जिसमें जैसे हमें पता है बहुत सारी वेबसाइट्स जो कीवर्ड्स देती है उसके एनालिटिक्स शो नहीं करती, क्योंकि वो प्रीमियम कीवर्ड्स होते हैं या फिर वो दिखाना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे हम जो प्रीमियम कीवर्ड्स होते हैं, जो वेबसाइट कीवर्ड्स तो बताती है लेकिन उसके एनालिटिक्स नहीं बताते, तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह हम उन प्रीमियम कीवर्ड्स के एनालिटिक्स को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और क्रोम में चलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का। मोर टूल्स पे जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रोम का वेब स्टोर को ओपन करेंगे। एक्सटेंशन का नाम है WMS Everywhere। बेसिकली एक ये फ्री टूल है SEO का, जिससे आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इंटरफेस ये इस टूल का, आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है ये एक। आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक तरह से फॉर्म आएगा, तो सही, वो खुद ही फिल आउट हो जाता है एक तरह से। आपको ये नहीं कहेगा कि आप डिटेल्स डालें, और देखें यहाँ पे जो हमारा जो एक्सटेंशन है वो खुद ही एक्टिवेट भी हो जाता है। आप इसे ऑटो डिटेक्ट रहने दें तो बेहतर है, ताकि वो हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दें। अच्छा, और दूसरा टूल हम यूज़ करेंगे कीवर्ड की डिफ़िकल्टी को देखने के लिए। ये काफ़ी हम एक ट्रस्टेड वेबसाइट से चेक करेंगे, जिस जो SEO एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होगा HRF का कितना बड़ा ब्रांड नेम है, जो लोग कीवर्ड रिसर्च और ब्लॉग पोस्ट पे काम करते हैं। तो HRF के हम एक टूल को, फ्री टूल को यूज़ करेंगे जिससे हमें कीवर्ड की डिफ़िकल्टी पता चलेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे HRF कीवर्ड डिफ़िकल्टी, हम ये गूगल पे टाइप करेंगे और ये जो पहली लिंक है इसे ओपन कर देंगे। ये बेसिकली पूरा HRF की तरफ से ये भी टूल काफ़ी जो है ये पूरा फ्री है, इससे हमें सिर्फ डिफ़िकल्टी पता चलेगी, लेकिन जो हमने ये एक्सटेंशन डाला है ये हमें बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करके देगा। अच्छा, तो लेट सपोज जैसे कि मेरा ब्लॉग है फाइवर के रिलेटेड, मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स। आपका कुछ भी हो सकता है, आपका रेसिपी के रिलेटेड हो सकता है, आपका टैग के रिलेटेड हो सकता है, आपका गैजेट्स के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी। तो आप जो भी ब्लॉग लिखें उसकी कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली एक गूगल ओपन कर लेते हैं। जैसा कि ये एक आर्टिकल है हाउ टू रैंक फाइवर गिग, तो मैं इसे गूगल पे लिखता हूँ। अब देखते हैं हमारे, हमें ये जो टूल है ये क्या सर्चेस देता है। जैसे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हमें इसने दिए, और भी हम इसमें से देख सकते हैं कि किसका CPC अच्छा है और उसकी सर्चेस भी अच्छी है। सर्चेस अगर 100 भी हो तो, और अगर उसका आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगर कम में मिल जाए, तो बिलीव में आप आर्टिकल लिख दीजिए, इसका बेनिफिट बहुत होता है। ये सर्चेस आपको जो शो कर रहा है मंथली वॉल्यूम, ये मंथली है, मतलब 30 दिन के दिखा रहा है। अगर आपको 30 दिन में, अगर मैं तो कहता हूँ अगर 110 में से अगर आपको 20 भी क्लिक्स आते हैं ना, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है इस पे पोस्ट लिखने से। तो आप कुछ भी एक तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे फाइवर गिग आइडियाज़ को अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ,
देखें हमें इस ये जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया इसने हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं बताई, डेट्स वाई हम ये वाली वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें कीवर्ड की डिफ़िकल्टी पता चलेगी कि इस कीवर्ड पे रैंक करना हमारे लिए इजी भी है या मुश्किल नहीं है। देखिए बिलो 50 होता है या 55 तक भी अगर कीवर्ड की डिफ़िकल्टी हो ना तो मैं समझता हूँ ठीक है, बेहतर है। अगर 55 से अबव हो तो फिर आप उस कीवर्ड की तरफ ना जाए तो बेहतर है। तो मैं यहाँ पे चेक कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे क्लिक करके ये कैप्चे पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी हमें गिग की इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी के बारे में बताएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक मेरे ब्लॉग के टॉपिक के रिलेटेड है और आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या बताया, सिर्फ 7 7। मतलब ये होता है कि अगर मैं एक अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अगर ये कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 7 शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर मिनिमम 2000 या 1500 वर्ड्स का अगर आर्टिकल लिखूं और मिनिमम उसको 10 से 15 बैकलिंक भी दे दूं तो ये आर्टिकल फर्स्ट पेज में आसानी रैंक हो सकता है इस कीवर्ड के ऊपर। तो अब मैं अपने ब्लॉग से हट के थोड़ी बात करता हूँ। जैसा कि लेट सपोज़ अब मैं कीवर्ड लिखता हूँ, आप लेट सपोज़ आपका ब्लॉग रेसिपी के रिलेटेड, आजकल रेसिपी का टॉपिक जो है बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो लेट सपोज़ अब मैं एक चीज़ टाइप करता हूँ बेस्ट रेसिपीज फॉर किड्स, ठीक है, ये एक मैंने कीवर्ड टाइप किया। अब आपको ये नहीं करना है कि भाई आप यही चीज़ उठा लो, और भाई आपने जब एक कीवर्ड टाइप किया तो आपको इसकी सजेशंस भी मिल रही है, ठीक है, तो आप उसे देखो। यहाँ पे आपको देखो ये इस टूल का फ़ायदा ये है कि आपको एक अच्छे सजेस्टेड कीवर्ड्स देगा जिसके वॉल्यूम और CPC काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए। बस इस टूल में एक कमी है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी नहीं बताता, उसका भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और वो सॉल्यूशन हमें HRF की वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब कोई भी अच्छा सा जो है आप कीवर्ड सेलेक्ट कीजिए, लेट सपोज़ मैं ये लेता हूँ। अब ये नहीं देखे भाई वॉल्यूम बहुत कम है, अगर आप 100 भी वॉल्यूम है ना सर्च रिज़ल्ट तो आप उस पर लिख दो आर्टिकल, अगर आपको CPC उसका अच्छा मिलता है और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है तो, क्योंकि आजकल अच्छे कीवर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैंने ये वाला कीवर्ड टाइप किया, चेक कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे जाके कैप्चे पे क्लिक किया, अब इसकी देखते हैं कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या है। देखिए 48, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, प्लस इसके सर्चिस अच्छे, प्लस इसका CPC अच्छा है, $1.29 काफ़ी अच्छा CPC कहलाया जाता है 48। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ईजी है रैंक करना, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी या फिर पेज अथॉरिटी काफ़ी अच्छी होगी तो मैं ये समझता हूँ आप आर्टिकल लिखेंगे ना जब वो गूगल में शो होगा तो वो मिनिमम 5th या 6th पेज पे तो आएगा। जब उसे आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे ऑन पेज SEO से, प्रॉपरली आप उसकी बैक लिंक्स बनाएंगे, आप उसे थोड़े सोशल फोरम्स पे प्रमोट करेंगे, तो मुझे लगता है ये आपका आर्टिकल इस कीवर्ड पे 2nd पेज पे आ सकता है अगर आपकी बैक लिंक्स और पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी स्ट्रांग हो तो। दूसरी चीज़, आप इसे सिर्फ आर्टिकल्स के आइडियाज़ नहीं ले सकते इस टूल के मदद से, आप समझिए आप अगर इस टॉपिक पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं ना तो आप ये जो नीचे जो दूसरी सजेशंस है ना इसको आप टैग्स में भी डाल सकते हैं, आप मेटा टैग्स के डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, H1 H2 की हेडिंग्स में भी इसको इन टाइटल्स को यूज़ करके इस पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक आप इजीली इस इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके मिनिमम 3000 वर्ड्स का अच्छा एक यूनिक आर्टिकल लिखना आई थिंक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और रैंकिंग में भी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम कुछ न्यू एक नई सर्च करके देखते हैं, मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट के, आप चाहें तो कि न्यू ब्लॉग पूरा नया ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं रेसिपी के रिलेटेड, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, आजकल मेडिकल का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो चलिए एक सर्च मेडिकल के टॉपिक पे भी करके देखते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं बेस्ट मेडिसिंस फॉर हेल्थ, आप देख सकते हैं आप नीचे आ जाइए, आप टाइप्स ऑफ मेडिसिंस पे आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, हाउ टू वेट गेन, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था,
जो कि काफ़ी लंबे समय से ये रैंकर एक तरह से ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है। अभी भी आप इसके सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। CPC लो है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, एडवर्टाइज़र भी बहुत शायद कम हो चुके हैं ज़्यादा, आई डोंट नो, लेकिन हम एक तरह से चलें देख लेते हैं इसका डिफ़िकल्टी क्या है इस कीवर्ड की। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस कीवर्ड की जो है ना डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस आर्टिकल पे बहुत लोग इस पे आर्टिकल लिख चुके हैं। देखते हैं, अगर बिलो 50 हो तो आप इस आर्टिकल पे जा सकते, देखा 61 है। मैं ये नहीं कर रहा, ये बहुत मुश्किल है भाई, वो सारे लोग मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी है, वो इस टाइटल पे अभी भी जा सकता है, लेकिन जिनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनका ब्लॉग नहीं हो, तो उस इन आर्टिकल फिर इन टाइटल्स पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप थोड़ा और नीचे आइए। लेट्स सपोज इस कीवर्ड पे देखते हैं क्या है। ये भी मैं कहूँगा ठीक है, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम है इसकी डिफ़िकल्टी, लेकिन हाँ आप रैंक कर सकते हो, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है इस पे रैंक करना। मेडिसन नेम्स एंड इट्स यूज़, आप कोई भी टॉप 10 मेडिसन जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हो आप इस टॉपिक पे कर सकते हो ब्लॉग। सो बेसिकली आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड थी कि किस तरह हम SEO टूल्स को यूज़ करके, जो बेसिकली फ्री है, फ्री और पेड का कॉम्बिनेशन मिला के हम अच्छे से कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।